नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज हम दोस्तों आपको रैम और रोम उन दोनों का अंतर बताने जा रहे हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, इसमें आपको हम पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका उपयोग दोस्तों हम लोग स्थायी स्टोरेज के रूप में करते हैं। इसके उपयोग और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में काम आता है। इसमें डेटा स्टोर होने से ज़्यादा समय भी नहीं लगता, तथा रैम का पावर सप्लाई हटने पर रैम में स्टोर के इन्फॉर्मेशन मिट जाते हैं। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो नेक्स्ट है रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह एक स्थायी स्टोरेज होता है। इसमें डेटा को स्टोर करने में समय लगता है। इसका उपयोग विशेषता भविष्य के लिए डेटा को स्टोर रखने के लिए काम किया जाता है, और तथा रैम का पावर सप्लाई हटने पर इसमें स्टोर इन्फॉर्मेशन नहीं मिटती है। तो ऐसी अच्छी सी जानकारी के बने रही हमारे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।